डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल लाया है 10वीं-12वीं पास लड़के लड़कियों के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी एंड नैनी केयर। मिले डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल, ऑपोजिट लाजवंती कॉम्प्लेक्स रोड, SJS नगर, होशियारपुर। कॉल 9872754031। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटी खराहल घाटी में बिजली महादेव सड़क चौड़ी करने का कार्य चला हुआ है। इस सड़क पर लापरवाही से काम हो रहा है, ऐसी शिकायत लेकर पुइद पंचायत के प्रधान और सेउगी पंचायत के उपप्रधान सहित अन्य लोग प्रशासन के द्वार पहुंचे। वहीं उपायुक्त कुल्लू को लिखित और मौखिक रूप में बिजली महादेव सड़क के चौड़ीकरण के कार्य में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की शिकायत की, बाकायदा पत्र भी सौंपा गया। सड़क में 2-2 फीट के गहरे गड्ढे होने के कारण गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान कटिंग करने के बाद पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। धूल मिट्टी से सड़क पर चलने वाले पैदल राहगीर, वाहन चालक, बाइक सवारों के अलावा सड़क के साथ लगते घरों के लोग भी परेशान हो रहे हैं। जो काल के जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए जिस हिसाब से मिलने आए थे कि हमारे जो रोड में है वाइडनिंग हो रही, अच्छी बात है, चौड़ीकरण होना चाहिए रोड का, लेकिन दिक्कत ये है कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं और स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ी वाले हैं उनकी गाड़ी के चैम्बर फट रहे हैं, 2-2, 2.5-2.5 फीट के जो गड्ढे हैं सड़क में, कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, अव्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है, रोलर वहाँ पर नहीं चलाया जा रहा है, मिट्टी के जो डंपर हैं वो फेंके जा रहे हैं बीच सड़क में, और उसे जो वैसे JCB से प्लेन किया जा रहा है, रोलर जो है दिखावे के लिए रखा गया है रामशिला के ऊपर, लेकिन उसे जो सड़क में नहीं चलाया जा रहा है ताकि रोड प्लेन हो, पत्थर जो ऊपर को उठ जाते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है जिससे चैम्बर फट रहे हैं, और दूसरा जो धूल मिट्टी के कारण जो है स्थानीय लोगों के घरों में, दुकानों में मिट्टी घुस रही है, और जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें भी जो है धूल के बीच में सुबह नहा धो के आओ, कपड़े साफ लगा के आओ तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं कपड़े मिट्टी के। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट।